हमारे जिला उपाध्यक्ष सुनील मिश्रा जी भदोही विधानसभा से, विकास त्रिपाठी जी, हमारे पूर्व सांसद श्रीवास्तव जी भदौलिया जी का माल्यार्पण कर अंगवस्त्र भेंट कर हार्दिक अभिनंदन करें। किसानों को भी बहुत समर्थन देते हैं, डायरेक्ट रोजगारी आप 20-25 लाख लोगों को देते हैं। फिर उसके बाद कालीन से जुड़े हुए, चाहे सामान ढोने वाले लोग हो, चाहे एक्सपोर्ट के काम में लगे हो, चाहे देश में, हिमाचल, ये सब बड़ा एक दूसरे से जुड़ा हुआ इलाका है। मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला और पूर्वांचल के बारे में आपने काफी बातें की, क्या योजनाबद्ध तरीके से काम हो सकता है? यहाँ पूर्वांचल में लोगों की शक्ति और लोगों के हुनर में कहीं कोई कमी नहीं है। हमारा मानव बल बहुत ही तीक्ष्ण है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत मेहनती है। यहाँ के कई क्षेत्रों में, कई इलाकों में, जैसा कि मैंने कहा, कहीं कालीन बनाने का, कहीं साड़ी बनाने का, कहीं खिलौना बनाने का, ऐसे परंपरागत बहुत सारे हुनर हैं जिनके आधार पर हम उद्योगों को और भी विकसा सकते हैं। हमें, जैसा कि मैंने अपने स्पीच में भी कहा, कि कुछ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की आवश्यकता है, लोगों को अच्छे से ट्रेन करने की आवश्यकता है, स्किल देने की, ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, और हमें कुछ बड़े औद्योगिक क्षेत्र बनाने होंगे जिनमें ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो सकें और चलाई जा सकें लंबे समय तक। तो इस क्षेत्र में, इस दृष्टि से पूर्वांचल में हमें औद्योगिक विकास का जो काम है वो करना है। उसमें कृषि आधारित उद्योग भी हो सकता है, ऐसे परंपरागत उद्योगों को बढ़ाने का भी काम हो सकता है। बहुत से हमारे जो यंग लड़के लड़कियां हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनको लेकर के आईटी और ड्रोन और ऐसे कामों पे भी हम उनकी स्किल का उपयोग कर सकते हैं, अगर हम उनको अच्छी तकनीकी शिक्षा दे दें तो। इस दिशा में हम आने वाले वर्षों में काम करेंगे। इसके लिए मैंने जन सहयोग भी मांगा है लोगों से, कि लोगों का सुझाव, लोग अपना सुझाव दें, साझेदारी करें, इसके लिए मैंने सबका आह्वान किया। योगी के 4.5 साल बीत चुके हैं, योगी जी और मोदी जी ने जो पहले की जो विकास की खाई हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पहले की सरकारों ने जो विकास की खाई पैदा की हुई थी, उसे पाटने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उन प्रयासों में अपना योगदान देना है और तीव्र करना है।